गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं उषा मल्होत्रा फ्रॉम एलपीएस। आज हम 11th लेसन के बारे में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 11, वानरा। वानरा के बारे में बताया गया कि किस तरह बंदर जो है सभी को परेशान करते हैं। तो आज पहले हम इसके वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। बही बाहर, कोलाहल शोर, किमर्थम क्यों, त्रोटे तोड़ना, मिष्ठानम मिठाई, नी ले जाना, इतस्त इधर उधर, छिप फेंकना, त्रिश डरना, अंक गोद, दूरतः दूर से, भूभुक्षित भूका, वन्य जीवा वन के जीव, इदानीम अब, कुतः कहां से, तृणानी तिनके, घास, उत्प्लस भू, उत्पन्न होना, उगना, रम्य सुंदर, मृग तृष्णिका मृग तृष्णा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उच्चारण करना है आपको। उच्चारण घर बैठ के करना है, इसका बुक पढ़ते हुए इसको ध्यान रखना है। उच्चतम, सेकंड क्वेश्चन, उच्चतम पदाने रिक्त स्थानेषु पूरित, उचित पदों को रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। मेघ जलाशय भे जलम विदन्ति, मेघ जो है जलाशयों से जल पाते हैं। बादल क्या करते हैं? जलाशयों से जल पाते हैं। पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वानरा वृक्षात वृक्षम कूर्दन्ति, बंदर जो है वृक्ष से वृक्ष पर कूदते हैं, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर कूदते हैं। गृहात बहि कोलाहलम भवति, घर से बाहर शोर होता है। बालकात मिष्ठानम नयति, बच्चे वानर जो है बच्चे से मिठाई ले जाता है। सा वानरे भित्रस्ति, वह बंदर से डरती है, वह बंदर से डरती है। सा है इसलिए डरती है, स होता विसर्ग वाला तो डरता। अब है एक पदेन में आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, वानर कुत्र कूदन्ति, बंदर कहाँ कूदते हैं, बंदर जो है कहाँ कूदते हैं? सर्वत्र, सभी जगह। क्वेश्चन नंबर 2, कह ग्वाक्षात बहि पश्यति, कौन खिड़की से बाहर देखता है? दिवाकर, दिवाकर खिड़की से बाहर देखता है कि बंदर कहाँ कूद रहे हैं। क अंकात न पतति, कौन गोदी से या गोद से नहीं गिरता है? शिशु, किसका शिशु? बंदर का शिशु। वानर कर सकते हो, शिशु भी कर सकते हो, शिशु वानर। जना कान कृतन्ति, लोग किसे काटते हैं? वृक्षा, वृक्षों को काटते हैं। किम जीवनम अस्ति, क्या जीवन है? जलम, जल ही जीवन है, है ना। वानरा के भे पत्राणि त्रोट्यन्ति, वृक्षे भे, बंदर जो है किस के पत्तों को तोड़ते हैं? वृक्षों के। यहाँ वृक्षे भी है तो वृक्ष भी आना चाहिए, यदा भ है वृक्ष नहीं आएगा उन्हें। जैसे किम जीवनम अस्ति, क्या जीवन है? जलम, जल नहीं जलम, जल जीवन है। अब है उचित क्रियापदाने लिखित स्थानेषु लिखित। प्रसन्ना बालिका इतस्थ कूदती, प्रसन्न बालक इधर उधर कूदता है। इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक आएगा कूदती, क्योंकि बालिका एक ही है। प्रसन्ना बालिका, प्रसन्न बालिका इधर उधर कूदती है। छात्रों, दो छात्र हैं। छात्रों परीक्षा न दृश्यते, दो छात्र परीक्षा से नहीं डरते हैं। अहम बुभुक्षिता अस्मि, मैं भूखा हूँ। अहम के साथ अस्मि, पठामि लिखामि गच्छामि, छात्रों के साथ पठतः दृश्यतः तय आ जाएगा विसर्ग वाला, और इसमें एक जना होगा तो ती आ जाएगा उसके अनुसार। तो हम के साथ सी आता है। त्वं सुखेन निवससि, तुम सुख से रहो निवास करो। मेघा जीवेभ्य जलम यच्छन्ति, मेघ जो है जीवों को जल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उसका वचन परिवर्तन करना है। जैसे शिक्षे के भी है तो उसका एक वचन है शिक्षकात, शिक्षकात, शिक्षे भ्य, शिक्षभ्य।
छात्रा शिक्षेभ्यः पठन्ति, छात्र जो है शिक्षकों से पढ़ते हैं, तो इसमें आ जाएगा। बहुत सारे शिक्षक है, इसको एक वचन में बदलना है तो आएगा छात्र जो है शिक्षक से पढ़ते हैं, एक शिक्षक से पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे शिक्षकों से पढ़ते हैं, इसमें एक शिक्षक से पढ़ते हैं। बाला गृहात बही खेलंती, बच्चे जो है घर से बाहर खेलते हैं, बच्चे घर से बाहर खेलते हैं, इसको द्विवचन में करना है। गृहात गृहाभ्याम, बच्चे घरों से बाहर खेलते हैं। सरिता पर्वतात आगच्छन्ती, सरिता जो है पर्वतों से निकलती है, आती है। नदियां किससे निकलती है? पर्वतों से। तो सरिता पर्वत से, सरिता नदी पर्वत से निकलती है। अब इसको बहुवचन में बनाना है तो आ जाएगा सरिता पर्वतेभ्य आगच्छन्ती, नदियां पर्वतों से निकलती है। इसमें पर्वत से, इसमें पर्वतों से आती है। सा वाटिकाया पुष्पाणि आनयति, वह वाटिका से फूल लाती है। बहुवचन में बनाना वाटिकाभ्य, वह वाटिकाओं से फूल लाती है। प्रभान्रेभ्य त्रश्यति, प्रभा जो है बंदरों से डरती है। तो एक वचन करना है प्रभा वानरा त्रश्यति, प्रभा जो है बंदर से डरती है। अब इसका ग्रहम, गृहे गृहाणि, वानरम वानरो वानरान, सुधाया सुधाभ्याम सुधाभ्य, कस्मात काभ्याम केभ्य, लताया लताभ्याम लताभ्य। अब जो उचित पद दिए हुए हैं, अव्यय पद लेकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे बही मैंने बाहर, इतस्तः मैंने इधर उधर, किमर्थम मैंने किस लिए, इदानीम मैंने अब, कुत्र मैंने कहा, दूरतः मैंने दूर से। इदानीम का समय, अब क्या समय है। अहम कल माने इतस्तः न छिपामी, मैं कलम को पेन को इधर उधर नहीं फेंकता हूँ। तव चित्र, वे दोनों चित्र, दूरतः दूर से पश्यत, देखो देखता है, वे दोनों चित्र को दूर से देखते हैं। यूयम कुत्र गच्छत, तुम कहाँ जाते हो। कुत्र हो गया, किमर्थम हो गया, जहां भी आएंगे वहां क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तुम सब कुत्र कहाँ जाते हो, यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जाते हो। शिशु किमर्थम क्रदंती, शिशु किस लिए रोता है। बालका कक्षात बही खेलंती, बच्चे जो है कक्षा से बाहर खेलते हैं। एक बार फिर से देखिए, अब क्या समय है, कौन सा समय है, क्या समय है। मैं कलम को इधर उधर नहीं फेंकता हूँ, वे दोनों चित्र को दूर से देखते हैं। तुम सब कहाँ जाते हो, शिशु किस लिए रोता है, बालक कक्षा से बाहर खेलता है। अब है संस्कृत में अनुवाद करना है। बाहर वर्षा हो रही है, बही वर्षा भवति, बाहर वर्षा हो रही है, बही वर्षा भवति। हम शिक्षक से पढ़ते हैं, वयम शिक्षकात पठामः, हम सब शिक्षक से पढ़ते हैं, वयम शिक्षकात पठामः। क्या तुम बस से जा रहे हो, किम त्वं बस याने गच्छसि, वह माँ से कह रहा है, सः अम्बां वदति, वह माँ से कहता है, मैं परीक्षा से नहीं डरता हूँ, अहम परीक्षाया न त्रास्यामि, सिंह जंगल से भागता है, श्रृंगालय वनात धावति, शेर क्या करता है, जंगल से भागता है। एक बार फिर से देखिए, बाहर वर्षा हो रही है, बही वर्षा भवति, हम शिक्षक से पढ़ते हैं, वयम शिक्षकात पठामः, क्या तुम बस से जा रहे हो, किम त्वं बस यानेन गच्छसि, वह माँ से कह रहा है, सः अम्मां वदति,
मैं परीक्षा से नहीं डरता, अहम परीक्षाया न दृश्यामि। सियार जंगल से भागता है, श्रृंगालय वनात धावती। जंगल से भागता है। आशा है बच्चों आपको ये अभ्यास अच्छी तरह समझ आया होगा। कल हम इसकी अभ्यास पत्रिका करेंगे। थैंक यू।